ये वीडियो किसी भी हिंसात्मक गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता है और न ही किसी भी प्रकार का जन आंदोलन करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। हमारा एकमात्र मकसद बिहार इंडस्ट्री लाना है ताकि हमारा बिहार हमारा भारत तरक्की कर सके। हमारे सभी दोस्त घर पर ही रहे, सुरक्षित रहे, घर पर ही रहकर सोशल मीडिया के जरिए बिहार में रोजगार की मांग करें। दो रोजगार बिहार की जनता करे पुकार। दो रोजगार नहीं चलेगी सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। हमेशा हम ही मजदूर क्यों रहे अपने घर से दूर। बिहार का युवा जाग चुका है। दो रोजगार बिहार सरकार। दो रोजगार। हमको नहीं लगता है कि कोई शासन प्रशासन आएगा और यहाँ तो कि कोई लोग भी हम लोगों का साथ देने नहीं आए। और न तका, दो दिन से भूखे प्यासे बैठल चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, अब बस हमसे नहीं होगा। देख भाई सौरभ, जहाँ तक हम जानते हैं कि ना कोई गरीब का हुआ है ना कोई मजदूर का, ये कई सालों से होते आ रहा है। हमारे चिल्लाने से थोड़ी ना कुछ होने वाला है। छोड़ो ये सब, घर चलो। घर जाना है तुमको? कौन सा घर? वो घर जहाँ तुम्हारी बूढ़ी माँ दो वक्त की रोटी के लिए पड़ोसी के घर में बर्तन मांजती है, वो घर कि वो घर जहाँ तुम्हारा बूढ़ा बाप जो ठीक से चल नहीं पाता है फिर भी धूप और गर्मी में रिक्शा चलाकर तुम लोगों का पेट पालता है, जो लॉकडाउन होने की वजह से घर के किसी कोने में बैठकर रो रहा है, वो घर। और तुम दो दिन से भूखे प्यासे बैठे हो ना। अच्छा ये बताओ, आज से दो दिन पहले तू घर पर रहकर भर पेट खाना खाता था, का तू आज यहाँ से जाने के बाद कल से दो रोटी का जुगाड़ कर पाएगा? गांधी जी बोले थे एकला चलो रे, और अकेले ही अपना सत्याग्रह शुरू किए थे और बाद में उनके साथ पूरा देश खड़ा हो गया था। ये बिहार सरकार जब तक हमको आश्वासन नहीं देगा कि हमको बिहार में रोजगार मिलेगा तब तक हमारा आवाज़ खत्म नहीं होगा। तुम लोग को जाना है तुम लोग जाओ, हम अकेले ही काफ़ी है, क्योंकि ये मांग हमारा नहीं, हमारा पूरा बिहारी भाई का है कि उनको यहाँ रोजगार बिहार में चाहिए, उनको काम यहाँ बिहार में चाहिए तो चाहिए। दो रोजगार बिहार सरकार। दो रोजगार दो रोजगार बिहार सरकार। दो रोजगार नहीं चलेगी सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। बिहार का युवा जाग चुका है। दो रोजगार बिहार सरकार। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? गधे हो तुम लोग, दिमाग नहीं तुम्हारे पास? हाँ, देश में इतना बड़ा संकट आ गया है, चारों तरफ महामारी फैला हुआ है और तुम लोग मोदी जी घर से निकलने को मना किया ना? हाँ, और तुम लोग यहाँ जमावड़ा बना के बैठे हुए हो, भागो यहाँ से। हमारी मांग आपको बकैती लग रही? अगर ऐसा है तो हाँ, हम बकैती कर रहे हैं, अपना अधिकार का मांग कर रहे हैं और गधे कहला रहे तो हाँ हम गधा है। और क्या करेंगे घर में रहकर? घर में रहकर भरे कोरोना से बच जाएंगे लेकिन भुखमरी से मर जाएंगे। क्या बोल रहे हो? चावल दाल गेहूं फ्री मिल रहा है तुम लोग को? ऊपर से 500 रुपए का महीना भी खाते में दिया जा रहा है, और क्या चाहिए? गेहूं दिया जा रहा है, चावल दिया जा रहा है, दालो दिया जा रहा है और 500 रुपये दिया जा रहा है। वाह। अच्छा सरकार ये बताइए कि का आप अपना घर 500 रुपए में चला लीजिएगा? आप सब्जी भी खरीद लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भर लीजिएगा, मोबाइल और रिचार्ज करा लीजिएगा, अपना बाल बच्चा के पढ़ाऊ लीजिएगा। देखो मेरे से ज्यादा मुंह मत लड़ा, ठीक है ना? मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे ड्यूटी करने दो और तुम सब एक अच्छे इंसान की तरह घर निकलो। नहीं तो क्या कीजिएगा? मरिएगा, लाठीचार्ज कीजिए, ये जेल में ले चलिए। ठीक है, हम चलने को भी तैयार है, हम सबको ले चलिए। और एक काम कीजिएगा, हमारे पूरे परिवारों को साथ में ले चलिएगा, कम से कम हुआ दो वक्त का रोटी खाने को तो मिलेगा ना। चलिए। देखो तुम लोग ये ड्रामा बंद करो यार और चुपचाप घर निकलो। ये सब आपको ड्रामा लग रहा है? मतलब हम यहाँ दो दिन से भूखे प्यासे बैठे अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं तो ड्रामा लग रहा है? तो हाँ, हम ड्रामा कर रहे हैं और करेंगे, अब क्या करिएगा हम वो देखते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। देखो प्लीज मुझे मजबूर मत करो, प्लीज जाओ यहाँ से। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। लोग निकलो यहाँ से, लाठी चार्ज करने में मजबूर मत करो मुझे। सर ये सब ऐसे नहीं मानेगा, हमें लाठी चार्ज करना ही पड़ेगा। ठीक बोल रहे हो, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। मारो दो रोजगार।
बात से समझा रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था, घर पहुंचवा दो सबको। बस यही कर सकते हैं आप लोग? कहते हैं देश आजाद है हमारा, लेकिन गलत, सब गलत। गरीब 1947 में भी गरीब था, 2020 में भी गरीब है। मजदूर 1947 में भी भागे थे, 2020 में भी भाग रहे हैं। गरीब और गरीब होते चला गया और अमीर हो गया। आपकी ये लाठी सिर्फ गरीब मजदूरों पर ही उठेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये गरीब मजदूर आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता है। ये गरीब सही है फिर भी ये गलत, ये अमीर गलत है फिर भी सही। ये जानते हुए भी कि नेता भ्रष्ट है, चोर है, बेईमान है, फिर भी आप जैसे कुछ पुलिस ऑफिसर उनको सलाम ठोकेंगे, उनके पैर पकड़ेंगे। और ये जानते हुए कि मजदूर सही मांग कर रहा है, फिर भी उनको लाठियों से पीटा जाएगा। कुछ सरकारी नौकरी करने वाले भ्रष्ट लोग आज घर में बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, वही हमारे दूसरे तरफ बिहारी मजदूर 1000-2000 किलोमीटर की दूरी इतनी गर्मी में तपती सड़क पर नंगे पांव चल के अपने घर लौट रहे हैं। आखिर हम मजदूर की गलती क्या है कि हम गरीब हैं? क्यों हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, क्यों हमारे यहाँ फैक्ट्रीज नहीं है, हमें क्यों दिल्ली मुंबई और गुजरात जाना पड़ता है? इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? आज हमारे बिहार में इंडस्ट्रीज होती तो आज ना हमारे बिहारी भाई बाहर जाते और ना उनको आज आने में दिक्कत होता। अब हम चुप नहीं रहेंगे और आप लोगों को बोल रहे हैं सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, हाथ पर हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होने वाला, आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी, बिहार सरकार से बिहार में रोजगार आपको खुद मांगना होगा। चलिए उठिए और ट्विटर पर डालिए #बिहार सरकार दो रोजगार और ट्रेंड करवाइए, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि बिहार सरकार तक पहुंचे, क्योंकि अगर आज आप चुप रहे और हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहे तो तैयार रहिएगा कि वो दिन दूर नहीं जब बिहार में खून खराबा, लूटपाट और कत्ल शुरू होगा। क्योंकि जितने भी बिहारी भाई हमारे बिहार पहुंचे उनको रोजगार चाहिए, उनको अपना परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो सीधा एक ही काम करेंगे, डकैती करेंगे, खून खराबा करेंगे, किसी का कत्ल कर देंगे। तो आज आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी और हमारा साथ देना होगा। तो मेरे साथ जोर से बोलिए, दो रोजगार दो रोजगार, बिहार सरकार दो रोजगार।